आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से फूलों की जो बरसात है वो की जा रही है, और यहाँ भीड़ को देख करके मोहन यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आए हैं, और सबके ऊपर अनिल फिरोजिया भी उन्हीं के साथ हैं, और अनिल फिरोजिया हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और मोहन यादव को आप देख सकते हैं कि मोहन मुस्कान के साथ जो उनकी एक पहचान है, उनकी छवि है, आप यहाँ तस्वीरों में उनको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आपको यहाँ पर क्या बात है, वो पूरी लाइट वाली टोपी लगाई आपके द्वारा, ये चमक चमक है भगवान राम जी के लिए, ये चमक चमक है मोदी जी के लिए, क्योंकि आप और अंदर से जाना है और इस बार धवल का बटन दबाना है, अगली बार 400 बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पूरे भारत। ये चमक वाली टोपी मिलती कहाँ है, हमने बनाई हो भैया। क्या नाम आपका? मैं जगदीश पांचाल, उज्जैन उत्तर विधानसभा संयोजक। बड़े 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 चमक है नेताजी की। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत बड़े है। क्या कहेंगे भैया, आज इस प्रकार से लोग उभर के आए हैं, पूरे उज्जैन शहर का एक एक कार्यकर्ता, उज्जैन शहर की पब्लिक, उज्जैन शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और अब की बार 400 बार और उज्जैन शहर, उज्जैन लोकसभा 5 लाख पर। क्या बात है, नारा 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 बहुत बड़ा है, और आप बहुत ही सनातन धर्म की और संस्कृति की अपूर्ण जीत है, और हम 400 पार से ऊपर जाएंगे। कुछ युवा भी आए हैं इसमें, क्या कहेंगे भैया, क्या रहेंगे रिजल्ट, नतीजे क्या देखते हैं? इस बार पूरे भारत में ऐतिहासिक नतीजे देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। इस बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को कार्यकर्ता पूरे जोशों जोश से अपने पूरे करेंगे। आ जाइए, क्या कहेंगे आज आप इस रोड शो को देखेंगे? इस रोड शो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमारे अनिल भरोसे जी 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं, वो सभी के लिए जनहितैषी कार्य करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रोड शो में शामिल है। विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी, विकास की विकास वो आगे गंगा बहेगा। आप उधर देखिए, आप एक बार तस्वीरों में फिर से आपको दिखाता हूँ, उसमें मोहन यादव बड़े खुश हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, लोगों पर वो फूल बरसा रहे हैं, ये मोहन यादव का अपने लोगों के लिए तैयार है, जो कि आपको यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। और साथ में उज्जैन उत्तर से जो विधायक हैं अनिल कालुएड़ा, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कमल के फूल का जो निशान है वो लेकर के साथ चलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर कार्यकर्ताओं की करें, अगर आप इधर कैमरा देखेंगे तो लाइन में लगे हुए हैं लोग, और खुशी है, फूल बरसा रहे हैं, बड़ा उमंग है। बीजेपी की यही खास बात है कि कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है, बहुत ज्यादा जोश है। हम इंदौर से आए हैं, सब माननीय अनिल फिरोजिया जी के लिए इंदौर से आए हम 5-7 लोग। अच्छा, हाँ क्या बात है, ये सीएम साहब को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है बोस, बहुत सारे फूल एकदम इकट्ठे करके लाए हो? 29 फूल मध्य प्रदेश से देंगे और पूरे देश भर में 400, देश भर में 400, यहाँ से 29। ये भाई साहब अभी दावा कर रहे थे कि एमपी में 29 के 29 फूल जगह खिलेंगे, हर जगह फूल खिलेंगे, हर जगह फूल खिलेंगे, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा क्या आपको कारण लगता है कि हर जगह बीजेपी आए? हर जगह विकास हो रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक विकास की गंगा जो बहाई जा रही है वो सारा देश जय कर रहा है। आपको क्या लगता है भैया? ठीक है, माननीय मोदी जी राष्ट्रीय में काम कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से काम किया गया है, और बीजेपी 400 पार होने वाली है, बीजेपी 400 पार होने वाली है, ये दावा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बात है,
आज नरेंद्र मोदी सीने में छपवा के लाए। बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव तो हमारे दिल में बिल्कुल छपे हुए हैं। बिल्कुल इस बार 400 पार और हमारा भाई अनिल फिरोजिया जी 5 लाख पार 5 लाख वोटों जीतेंगे भाई अनिल। 5 लाख का बड़ा नारा नहीं लगता? नहीं, बड़ा नारा नहीं है ये तो हमने बहुत छोटा नारा बोला है, ये छोटा नारा। हम 2 लाख से जितने आए 3 लाख से इस बार 5 लाख पार होगा हमारा, इस बार 5 लाख पार होगा। बिल्कुल भाई, और एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, डॉक्टर मोहन यादव अपने लोगों से फिर मैं वही कहता हूँ कितना प्यार करते हैं। ये प्यार की तस्वीरें हैं उनकी, जिसमें वो अपने लोगों के साथ जो जिस प्रकार से वो मिलते हैं, लोगों पे प्यार लुटाते हैं, और यही वजह है कि आजकल लोग कहते हैं कि महाकाल के मोहन, मोहन के महाकाल, ये एक बड़ा नारा आजकल यहाँ पर चला हुआ है। बार बार महाकाल की नगरी में आप मोहन यादव को यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये सत्य सटीक बेबाक।